हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रहे हैं नए डिजाइन का डोरमेट। तो ये डोरमेट बनाने के लिए मैंने 3 कलर का ऊन ले ली है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। और मैं कम फंदे से ही बना के बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें फंदे डाल रखे हैं, तो मैं कम फंदे से ही बना के बता रही हूँ। तो इसमें मैंने 16 फंदे डाले हैं, 8 फंदे इस कलर से, 8 फंदे इस कलर से। तो चलिए मैं पहली सिलाई से ही आपको बना के बताती हूँ कैसे बनेंगे। बहुत ही सिंपल है बनाने में और जल्द बन भी जाती है। इस तरह से हम बुनते हुए जाएंगे, एक एक फंदे दोनों कलर से। इसमें हमें फंदे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमें फंदे छोड़ना है। इसी तरह से हम बुन लेंगे। तो ये 8 फंदे मैंने बुन ली। अब देखिए, यहाँ से इस तरह से हम धागा को कर लेंगे ताकि जॉइंट हो जाए। और ये 8 फंदे हैं, इसमें से मैं 6 फंदे बुनूँगी, 2 फंदे हम छोड़ देंगे। इस तरह से 2 फंदे छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलट लेना है और बाकी फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए, फिर से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करें और बाकी फंदे को इस तरह से बुन लेंगे। और फिर से हम 2 फंदे छोड़ देंगे नीचे की साइड। इस तरह से कर लेंगे तो ये जॉइंट होता जाएगा। दो फंदा पहले का, 2 फंदा छोड़ के फिर से सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम 2-2 फंदे इसमें छोड़ लेंगे और सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन लेना है। देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी फंदे को हम बुन के कंप्लीट करेंगे। तो मैंने 6 फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए, ये 8 फंदे छूट गए, ये 2 भी छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ इस तरह से धागा को कर लेंगे और इस तरह से बुनाई करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगी। इसको खींच देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। अब हम 2-2 फंदे करके, ये क्रीम कलर की है, इसे हम छोड़ना है। देखिए, जिस तरह से मैंने नीचे छोड़ा है वैसे ही अब ये 2-2 फंदे हम छोड़ेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो इसी तरह से मैं ये सारे फंदे हैं, 6 फंदे और बचे हैं तो ये छोड़ लेते हैं। इसी तरह से देखिए, बहुत ही आसान है बनाना ये। देखिए, 2 फंदे फिर से छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो ये 4 फंदे हैं, ये भी छोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं। अब देखिए, सारे फंदे मैंने छोड़ लिए हैं 2-2 करके। तो अब हम एक साथ सारे फंदे को बुन लेंगे। 8 फंदे इस कलर से है तो 8 फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे। एक साथ ही सारे फंदे को बुन लेना है जो 2-2 करके मैंने छोड़े थे। अब 8 फंदे हम ये वाले अब सीधी साइड से भी हम एक सिलाई बुनाई करेंगे। तो ये कली कंप्लीट हो गई।
दोनों कलर से कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें तीसरा कलर ऐड करेंगे। देखिए तो यहीं से हम तीसरा कलर को इसमें लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से नीचे वाले कलर उसी तरह से रहेंगे, बस हम इसे ऊपर की साइड कलर चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से करते हुए नीचे के साइड बुनते हुए जाएंगे, फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे। देखिए और सिलाई को पलट लेंगे। फिर से हम इसको पीछे करेंगे और इसको आगे लाके ये आठ फंदे हैं इसे हम बुन लेंगे। देखिए तरीका सेम है, बस हम कलर चेंज किए हैं। आप अगर बनाएं ज़्यादा फंदे के तो इसी तरह से जोड़े फंदे में बनाएं और आधा आधा दोनों कलर से डाल लें। आप चाहें तो मल्टी कलर से भी बना सकती हैं ऊपर की साइड। देखिए तो फंदे फिर से छोड़ दी और सिलाई को यहीं से पलट ली और सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन लेना है। एक बार और देख लीजिए। इसी तरह से हम बुनते हुए जाएंगे और नीचे से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक आ जाएंगे दोनों कलर से। इसके बाद हम सारे फंदे एक बार में फिर से बुन देंगे और कलर चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं ये कली कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। बुन लेती हूँ, दो दो फंदे यहाँ तक छोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने छोड़ लिया है, तो इस तरह से ये बने हैं। अब फिर से हम सारे फंदे को बुन लेंगे। दो सिलाई बुनेंगे, एक सिलाई में सारे फंदे को बुन लेंगे और सीधी साइड से फिर सारे फंदे को एक साथ बुन के कंप्लीट कर लेंगे उल्टे उल्टे। फिर से सीधी साइड कंप्लीट हो जाए तो फिर कलर हम चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से ये बनेंगे डोरमेट। तो मैं बना लेती हूँ, इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ बना के, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया ये, तो इतना बड़ा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें मैं फंदे कम करूँगी। तो फंदे कैसे कम करना है चलिए मैं दिखाती हूँ। इस तरह से हम दोनों कलर है तो दोनों कलर से फंदे कम करूँगी। और सीधी साइड से मैं फंदे कम कर रही हूँ। देखिए ये सारे फंदे कम हो गए। अब ये एक फंदे हैं तो इसे हमें इसमें डाल के फिर दिखाते हैं। देखिए ये आठ फंदे थे, इसे मैंने कंप्लीट कर लिए। अब ये आठ फंदे रह गए हैं तो अब हम इस कलर से करेंगे। तो इस धागे को हम पीछे करेंगे और ये आगे लाके
अब हम इसे फंदे कम करेंगे। इस तरह से हम सारे फंदे को कम कर लेंगे और फिर इसको सिल देंगे। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से हमें धागा कट कर लेना है और यहाँ उल्टा करके इस तरह से हमें पकड़ के सारे धागे को कट कर देंगे और यहाँ से पकड़ के मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से ये बनेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक